टॉप क्रिसमस और नए साल के लिए बिजनेस आइडिया। क्रिसमस का समय छुट्टियों का समय होता है, जिसमें सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफिस अधिकतर बंद होते हैं और उस समय हल्की हल्की ठंड भी होती है। ऐसे में लोग इस छुट्टी का आनंद उठाने के लिए और काम के तनाव को दूर रखने के लिए घूमने जाते हैं या फिर घर पर आराम करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दौरान कुछ छोटे छोटे बिजनेस शुरू करके पैसे कमाने की सोचते हैं। अगर आप क्रिसमस के त्योहार के समय पड़ने वाली छुट्टियों में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए हम टॉप क्रिसमस बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं। इस दौरान लोग बहुत सी चीजें खरीदते हैं, इसलिए आप किसी भी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आर्टिफिशियल फूल और उनकी व्यवस्था। आर्टिफिशियल फूल क्रिसमस के मौसम में सबसे अच्छा उपहार है। आप इसे खुद से आसानी से बना सकते हैं। लोग सजावट के लिए अच्छी क्वालिटी वाले फूलों का इंतजाम करते हैं। ऐसे में ये बिजनेस बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप अलग अलग तरह के फूल बनाकर उसे उपहार स्वरूप भी बेच सकते हैं या फिर सजावट के लिए भी बेच सकते हैं। इससे आपको काफी मुनाफा होगा। सेंटा के कपड़े और उसकी टोपी बनाकर बेचना। ये सभी जानते हैं कि क्रिसमस में सेंटा के कपड़े और उसकी टोपी की बहुत अधिक बिक्री होती है। इनके कपड़े अलग अलग तरह के आकर्षक पैटर्न के साथ आते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी वाले कपड़े और टोपी बनाकर बेचना बेहतर साबित हो सकता है। इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। आप इस बिजनेस को बिना किसी परेशानी के आराम से शुरू कर सकते हैं। क्रिसमस लाइट इंस्टॉलर। हर कोई क्रिसमस के त्योहार के समय अपने घर की सजावट के लिए लाइटिंग करता है, ताकि उनका घर जगमगा उठे। इसके लिए वो अलग अलग तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्रिसमस लाइट इंस्टॉलर के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में अपने हाथों से सजावट करते हैं, उन्हें छोटी छोटी लाइट्स की जरूरत होती है। आप इन छोटी छोटी लाइट्स को बनाकर और उसे बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्रिसमस ट्री बनाने वाले किसान। अगर आप किसान हैं और आप क्रिसमस ट्री लगाकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस साबित होगा। क्रिसमस ट्री कम रखरखाव वाली फसल होती है, जो आपके लिए अच्छे इनकम का अवसर हो सकती है, खासकर अगर आप हर साल नए पेड़ों को लगाते हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि आप जो क्रिसमस ट्री लगाने वाले हैं, वो सबसे पॉपुलर स्पीसीज का हो, जो कि लोगों द्वारा ज्यादातर खरीदे जाते हैं। अगर आप कुछ वर्कर्स को अपने इस काम में लगाते हैं, तो फसल को तैयार करने में आपको आसानी भी होगी और आप ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। क्रिसमस कार्ड की डिजाइन और बिक्री। क्रिसमस के त्योहार में लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। ज्यादातर कार्ड्स गिफ्ट्स और बुके के साथ दिए जाते हैं। ऐसे में कार्ड्स की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। ग्रीटिंग कार्ड को डिजाइन करना पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब कंप्यूटर के आने से ये बहुत आसान हो गया है। आप इसके जरिए अलग अलग तरह के डिजाइन के कार्ड बनाकर उसे बेचकर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गॉर्मेट बेकरी। इस त्योहार में लोग सीधे अवन से निकली गर्मा गर्म कुकीज खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह के कुछ व्यंजन बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपके इस कौशल से क्रिसमस में पैसे कमाने का अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि कुकीज अधिकतर लोगों को पसंद होती है। आप अलग अलग स्वाद की और डिजाइन की कुकीज बनाकर बेच सकते हैं, जो कि बिजनेस के रूप में काफी अच्छा होगा। हालांकि यह बिजनेस आपको क्रिसमस के पहले ही शुरू कर लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कुकीज के बारे में जानें और इसे खरीद कर आपके बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद कर सकें। स्टफ्ड खिलौने की बिक्री। त्योहार कोई भी हो, बच्चों को खिलौने लेने का एक बहाना मिल जाता है। ऐसे में अगर आप बहुत यूनिक तरह के खिलौने बनाकर बाजारों में, दुकानों में बेचने जाएं या फिर ऑनलाइन बेचें, तो ये बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। इसके लिए आपको रंग बिरंगे बच्चों को आकर्षित करने वाले खिलौने, जैसे टेडी बियर आदि और भी चीजें बनानी होंगी, जिसे आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। आप खिलौनों को इस ढंग से भी बना सकते हैं कि आप इसमें कुछ चीजों जैसे कि चमकीले स्टार्स आदि की स्टफिंग करें, या फिर कुछ अन्य चीजें जैसे चॉकलेट वगैरह भी उसमें भर सकते हैं। इससे भी बच्चे बहुत आकर्षित होंगे। बिजनेस इस त्योहार में ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस साबित होगा। गिफ्ट रैपिंग। क्रिसमस उपहार देने का त्योहार होता है, जिससे लोग अपने दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों को छोटे, मध्यम और बड़े उपहार देते हैं। इसे ना सिर्फ उपहार देने वाले को आनंद आता है, बल्कि उपहार लेने वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो अगर आप अलग अलग तरह के उपहार की पैकिंग करना जानते हैं, तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। आप अलग अलग तरह के डिजाइन के माध्यम से उपहार को पैक करें। इसके लिए आप अपनी पैकिंग की डिजाइन का कैटलॉग बनाएं और उससे लोगों के सामने पेश करें, ताकि वो आपकी स्टाइल से प्रभावित हो और आपको उपहार की पैकिंग के लिए ऑर्डर दें। तो आज हमने आपको क्रिसमस और नए साल में शुरू करने के लिए कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज बताए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट,
बिजनेस ओके है।